देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन व्यूअर्स। दर्शकों, ठोको वर्सेस ठोको, ये तस्वीरें लखनऊ से हैं। लखनऊ से जी, बिल्कुल, तहजीब और तमीज का शहर लखनऊ। तो लखनऊ से ये वीडियो आया है, पीलीभीत के एक दारोगा ने लखनऊ में एक होटल के बाहर कुछ लोगों की गाड़ी में टक्कर मार दी। ओके, फिर उन लोगों ने दारोगा को पकड़ लिया। ओके, उसके बाद दारोगा से हाथापाई की गई, थप्पड़ मारा गया। ओके, थप्पड़बाजी के बाद थप्पड़बाज को गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, उसका एक वीडियो भी बनाया गया, उसमें वो माफी मांग रहा है। ओके, इसके बाद प्राची सिंह एडीसीपी नॉर्थ की बाइट भी आई है। ओके, चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। ओके, रिपोर्ट्स हैं कि दारोगा नशे में था। ओके, बट व्हाट इज नॉट ओके इस पूरी घटना में दोनों ही पक्ष पूरी तरह से दोषी। जी हां, दोनों ही तरफ गिरफ्तारियां होनी चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट ओके। लखनऊ पुलिस ने एक ट्वीट किया है और उसमें गिरफ्तार किए गए लोगों की तस्वीर के साथ लिखा है, तस्वीर के साथ ट्वीट किया है और उस ट्वीट में क्या लिखा है यह मैं आपको बताता हूं। उस ट्वीट में लिखा है, जो लखनऊ पुलिस को द्वारा किया गया है, उस ट्वीट में लिखा है, द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ यूनिफॉर्म अरेस्टेड द रफियंस आशीष कुमार शुक्ला, प्रांजुल माथुर, प्रियांक माथुर एंड प्रवेंद्र माथुर हु असॉल्टेड अ पुलिस ऑफिसर ड्यूटी लास्ट नाइट। तो लिखा है, दोबारा सुन, द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ यूनिफॉर्म। ये लखनऊ पुलिस का ट्वीट है जिसे मैं पढ़ के सुना। अरेस्टेड द रफियंस आशीष कुमार शुक्ला, प्रांजुल माथुर, प्रियांक माथुर एंड प्रवेंद्र माथुर हु असॉल्टेड अ पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी लास्ट नाइट। एनी अटैक ऑन एन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर शैल बी सिमिलरली डेल्ट विद। तो ये सब कुछ लिखा है यूपी पुलिस ने जो ट्वीट किया है। तो ये सब कुछ लिखा है जिसको हमने अभी आपको बताया। इस ट्वीट में एक बात कही गई है, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर, एंड विच मींस कि पीलीभीत के दरोगा लखनऊ में घटना के वक्त ऑन ड्यूटी थे, विच इज नॉट ओके, बिकॉज वो दरोगा ऑन ड्यूटी नशे में था। थप्पड़बाजी के लिए आज लखनऊ पुलिस की जितनी बदनामी हुई और उसके लिए गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल ठीक है, दैट्स ओके। वर्दी में पुलिसकर्मी के साथ ऐसा करने का दुस्साहस किसी में नहीं होना चाहिए, लेकिन नशे में एक दरोगा गाड़ी लेकर सड़क पर घूम रहा है, टक्कर मार रहा है, इतना दुस्साहस करने की ताकत एक पुलिसकर्मी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। उसकी गिरफ्तारी कब होगी, आज भारत एट नाइन के जरिए हम जानेंगे कि आखिर एक दरोगा जो पीलीभीत से लखनऊ की सड़कों पर घूम रहा है नशे की हालत में, उसकी गिरफ्तारी कब होगी। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, अगर इस दरोगा ने किसी गरीब के ठेले पर टक्कर मारी होती, किसी गरीब के रिक्शे पर टक्कर मारी होती, किसी बुजुर्ग या बच्चे को टक्कर मार दी होती, तो क्या होता, कुछ नहीं होता। उल्टा यह दरोगा उतर कर उनको ही मार सकता था, बस परिस्थिति, द सिचुएशंस जिनके चलते नशे में धुत दरोगा वहां पिट गया, क्योंकि सामने वाले भी दबंग थे। अब अगर गिरफ्तारी एक तरफ हुई है तो नशे में गाड़ी चलाने और टक्कर मारने के मामले में पुलिस के उस दरोगा पर मुकदमा कब होगा, ये सवाल है। और ये सवाल है, प्राची जी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर ऑफ लखनऊ, इसका भी जवाब दीजिए, इस बयान पर दीजिए,
कब वाहन का चालान किया जाएगा? प्राची जी एडिशनल पुलिस कमिश्नर ऑफ लखनऊ, इस पर भी जवाब दीजिए। वर्दी में शराब का सेवन करना अपराध है, इस पर कार्रवाई कब होगी? प्राची जी एडिशनल पुलिस कमिश्नर ऑफ लखनऊ, इस पर भी जवाब दीजिए। यूपी में चुनाव है और कानून व्यवस्था का यह हाल है, पुलिसकर्मी शराब का सेवन करके गाड़ी चला रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं। प्राची जी एडिशनल पुलिस कमिश्नर ऑफ लखनऊ, इस पर भी जवाब दीजिए। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और फिर मैं कहूंगा कि प्राची जी एडीसीपी नॉर्थ, इस पर भी जवाब दीजिए। रिपोर्ट्स ऑन द स्क्रीन प्लीज। वर्दी का नशा तो पुलिस वालों पर कई दशकों से देखा जाता रहा है। कई तस्वीरों में तो वर्दीधारी का रवैया 12वीं सदी के बादशाहों जैसा भी नजर आता है। लेकिन तब क्या हो कि जब वर्दी ही खुद नशे में हो जाए? तब क्या हो जब नशे की हालत में वर्दी पर ही हाथ चल जाए? तब दरअसल नुकसान उस शरीर का नहीं होता जो नशे में है और वर्दी धारण किए हुए है, नुकसान होता है कानून व्यवस्था का। साथियों के साथ रईस जादे कभी तो पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ते नजर आए, कभी धक्का देते नजर आए, तो आखिर में थप्पड़ जड़ते नजर आए और दारोगा किनारा करते नजर आए। हालात ये थे कि जरा जगह मिले तो दरोगा जी भाग खड़े थे। तहजीब और तमीज के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रईस जादों की तस्वीर बहुत कुछ कहती है। योगी राज में बीजेपी अपराध कम होने और अपराधियों में भय और दहशत कायम होने का दंभ भरती रहती है, लेकिन लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र के निराला नगर में गुरुवार की देर रात दबंगों ने एक दारोगा की ही धुनाई कर दी। एक बार पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पिट रहे दरोगा जी का नाम विनोद कुमार है, जो पीलीभीत में एसआई के पद पर कार्यरत है और किसी काम से ये अलीगंज से निराला नगर की तरफ आ रहे थे। पास के एक होटल जिसका नाम ट्राइजेंट होटल है में शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। सड़कों पर गाड़ियां लगी हुई थी। दारोगा जी की गाड़ी एक गाड़ी से जा टकराई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और शादी समारोह में शामिल होने आए लोगों ने दारोगा जी को घेर लिया और एक रईस जादे ने दारोगा जी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद उनके बिल्लों को भी निकाल लिया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि घटना के वक्त दारोगा नशे में धुत था और इस पूरी घटना के बाद से ही थप्पड़बाज रईस जादा आशीष शुक्ला समेत चार लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो थाना हसनगंज अंतर्गत लखनऊ में विनोद कुमार दरोगा की पिटाई से बवाल हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट के लागू होने के बाद पुलिस का खौफ शायद हट गया है। डीसीपी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दरोगा विनोद कुमार पीलीभीत के रहने वाले हैं। वो लखनऊ में किसी काम को लेकर के आए थे, उन्होंने किसी बरातियों की गाड़ी को ठोका, फिर बरातियों ने दरोगा साहब को ठोक दिया। हालांकि दरोगा साहब के ठोकने पर सवाल नहीं है, सवाल यहां पर पुलिस के अब इकबाल का है। हालांकि डीसीपी ने इस बात पर सफाई दी है कि 395, 353, 504 के तहत मामला दर्ज कर चार लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक दिल्ली का वकील बताया जा रहा है। फिलहाल वो अपने किए पर शर्मिंदा होने की बात कर रहा है और पुलिस उसका वीडियो बना रही है। इसी घबराहट का वीडियो बनाकर लखनऊ पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखो थप्पड़ तो मारा था, लेकिन देखो अब कैसे डरा सहमा खड़ा है ये थप्पड़बाज। आपका नाम? आशीष शुक्ला। पिता का नाम? आर आर शुक्ला। आपका पता? लखनऊ। आपने जो दरोगा जी को थप्पड़ मारा है वो सही किया है कि गलत? गलत किया। तो आपको एक वर्दी धारक को मारना चाहिए था? नहीं मारना चाहिए, बिना
आपने पुलिस विभाग के जो है बदनामी करी है, ये आपको करना चाहिए था, आप अपनी गलती मानते हैं। थप्पड़बाजी का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और दारोगा जी नशे की गिरफ्त से आजादी मिली तब उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दारोगा जी को अस्पताल लेकर गई और कानूनी कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी प्राची सिंह ने क्या कुछ कहा है, इसको भी एक बार सुन लीजिए। थाना हसनगंज में निराला नगर चौकी के अंतर्गत रेगनेंट होटल पड़ता है। रात में प्रियांक नाम का एक युवक है जिसका रिसेप्शन था वहाँ पे। एक एसआई है विनोद कुमार जो कि पीलीभीत में तैनात है, वो अल्पसंख्यक आयोग के कुछ पेपर्स लेके आए थे लखनऊ। रात में जब वो अपनी गाड़ी चला के उधर से निकल रहे थे तो एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी प्रियांक के गाड़ी से टकरा गई, जिसमें उस एक्सीडेंट की वजह से जितने भी लोग थे वहां शादी में वो लोग बाहर आ गए, उन लोग के बीच में झड़प हुई और उन्होंने जो एसआई विनोद कुमार है उनको थप्पड़ मारा, पब्लिक वे में थप्पड़ मारा उन्हें, और उनके पास जो सरकारी कागजात थे, जो पोजीशन में उनके मोबाइल था और भी चीजें थी, उसको भी छीनने की कोशिश की। इस चीज को संज्ञान में लेते हुए वादी एसआई विनोद कुमार जो कि पीलीभीत में है उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 352/21 हसनगंज थाने में पंजीकृत हुआ है। धारा 323, 504, 506, 395, 353 और 34 में इसमें चार लोगों की अरेस्टिंग की गई है, प्रवेंद्र माथुर, प्रियांक माथुर, आशीष कुमार शुक्ला, प्रांजुल माथुर। तो ये है हकीकत उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जहां रईस जादो ने वर्दी का भी लिहाज नहीं किया, दारोगा के कंधों पर लगे सितारों को नोच लिया और नोच लिया उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के हर एक दावे को। और इसी के साथ दारोगा ने भी वर्दी का जरा भी लिहाज नहीं किया, वर्दी पहनकर नशे के आदि दारोगा सड़क पर गाड़ी चलाते रहे, टक्कर मारते रहे, पिटते रहे और कानून व्यवस्था का एक बड़ा ढोल नगाड़ा बजाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सो डियर व्यूअर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस इज योगी पुलिस फॉर यू। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुद्दा कैसे है, मुद्दा ऐसे है कि योगी पुलिस की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही योगी पुलिस है जो रोज नित नए कीर्तिमान स्थापित करती है, कभी 7 लोगों के एक ही जगह एक ही पैर पर गोली मारकर अपनी खुद की पीठ थपथपाती है, यह वही योगी पुलिस है, यह वही योगी पुलिस है जो ठोको नीति अपनाती है, यह यही योगी पुलिस है जो क्राइम रेट को कम करने की बात करती है, यह वही योगी पुलिस है जो लखनऊ की सड़कों पर गाड़ी लेकर घूम रही है और ठोक रही है और पिट रही है, यह वही योगी पुलिस है। ये योगी पुलिस आपकी सुरक्षा का जिम्मा उठाती है, जिसके बलबूते पर मुख्यमंत्री से लेकर उनका पूरा कुनबा मिनिस्टर्स कहते हैं कि कोई भी बहन बेटी रात के 12 बजे सुरक्षित घूम सकती है। तो सबसे बड़ा खतरा तो इन्हीं पुलिस वालों से है जो शराब पीकर जो नशे की हालत में सड़क पर घूम रहे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन टुनाइट। इसके साथ ही एक और सवाल और है मेरा, वो सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से उस थप्पड़बाज युवक को खड़ा करके पुलिस ने एक वीडियो बनवाया, उसमें पूछा कि आपने थप्पड़ मारा यह आपकी गलती है या नहीं, वो बोलता है हां मेरी गलती है, ऐसे ही दरोगा विनोद कुमार की वो वीडियो कब आएगी जब उनसे पूछा जाएगा कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना गलती है या नहीं? जिस तरीके से पुलिस वालों ने आरोपी आशीष से एक चीज पूछी कि आपकी वजह से लखनऊ पुलिस की जो बदनामी हुई है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं या नहीं, ऐसे ही दरोगा विनोद कुमार पीलीभीत पोस्टेड उनसे कब पूछा जाएगा कि आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, ठोक दी, जनता के द्वारा पिट गए, इससे यूपी पुलिस की बदनामी हुई, उसके जिम्मेदार आप हैं या नहीं? सवाल दोनों तरफ से होने चाहिए। योगी पुलिस का यह मतलब नहीं कि आपसे सवाल ना हो, आपसे जवाब ना लिए जाएं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, पूरी खबर हमने देखी, पूरी खबर के बारे में बता रहे हैं, अभी फिलहाल का अपडेट क्या है, क्या कोई कुछ अपडेट निकल कर आया है इसमें सामने अभी तक?
देखिए बिल्कुल बता देंगे, कार से टक्कर के बाद जब दरोगा ने उन बारातियों को टक्कर मारी तो उसके बाद उन बारातियों ने भी दरोगा साहब को भी थप्पड़ों से बरसात कर दी। उनके स्टार को नोचा गया, उनकी वर्दियों का रौब झाड़ा गया और खाकी पर इकबाल पर सवाल उठ गया। मामला जब वीडियो में वायरल हुआ, सोशल साइट पर वायरल हुआ, तब डीसीपी जो प्राची सिंह है उनका स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट में वो साफ साफ कहती है कि घटना में संज्ञान लिया गया है, चार लोगों को अरेस्ट किया गया है जिसमें एक रेस्टोरेंट कारोबारी है जो दिल्ली का वकील बताया है। उसके बाद ये कहती है कि हमने 323, 504 और 395 से धाराओं में, संगीन धाराओं में हमने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन स्टेटमेंट पे वो ये नहीं बताती है कि युवक की गलती थी या दरोगा की गलती थी। हाँ, अगर मान लेते हैं उस वीडियो वायरल हुआ था कि लोग दरोगा साहब को पीट रहे थे, अब वो वीडियो अगर वायरल हो जाता कि दरोगा साहब दारू के नशे में टक्कर मार रहे हैं या उन लोगों को पीट रहे हैं या अपने सरकारी पिस्टल से अपने असलेह से फायरिंग कर रहे हैं, तब क्या होता, तब क्या प्राची का स्टेटमेंट आता, तब डीसीपी साहब का स्टेटमेंट क्या आता? ये सवाल है। जैसे आपने सवाल किया कि दरोगा साहब का वो वीडियो कब आएगा, जैसे अक्सर अमूमन देखा जाता है कि जब पुलिस कोई मिस्टेक करती है तो उसको पूरा प्रशासन, पूरा अमला छुपाने में लग जाता है, लेकिन जब पब्लिक प्लेस पे कोई गलती होती है तो उसको पूरा प्रशासन, पूरा अमला खुलासे करने में लग जाता है, कानून का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं और उनसे स्टेटमेंट जारी करके दिलवाते हैं कि हाँ मिस्टेक जो थी वो आरोपी की थी, वो पब्लिक की थी, लेकिन पुलिस कर्मियों का कोई स्टेटमेंट अब तक जारी नहीं हुआ है। तो ये बड़े में सवाल है। अभी लखनऊ जैसे पुलिस कमिश्नरेट में, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को बनाया इसीलिए था कि इस पर लगाम लगेगा, लखनऊ बहुत बड़ा जिला है, कमिश्नरेट के लागू होने से कहीं ना कहीं क्राइम में गिरावट आएगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है तब से पिंक बूथों से लेकर तमाम योजनाएं कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। दरोगा पर थप्पड़ जो बरसाए गए हैं ये पुलिस के इकबाल पर सवाल है। बिल्कुल दानिश, और यही सवाल हम भी आज उठा रहे हैं कि ठीक है, हम जो खबर पढ़ रहे थे, खबर में हमको बताया गया कि दरोगा ने जब फोन किया पुलिस थाने में और जब वहां पर टीम पहुंची तब उनको सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया, तो अस्पताल ले जाने के बाद एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में क्या था, दरोगा नशे में था या नहीं था? क्योंकि वर्दी में अगर वो नशे में घूम रहा है शहर में तो ये खुद में एक अपराध है। बिल्कुल, देखिए जब जो लोग उनको दरोगा साहब को पीट रहे थे या उन पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे थे तो प्रथम दृष्टा देखा जाए तो गलती उनकी भी थी, लेकिन दूसरी दृष्टा देखा जाए तो दरोगा साहब की फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक थी। तो इसमें ये बात सामने आई, लेकिन स्टेटमेंट में ये बात तभी नहीं बताई जा रही है कि दरोगा साहब नशे में थे कि नहीं थे। जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है उनका ये कहना था, वीडियो में साफ साफ देख रख सकते हैं, वो कहते हैं नशे में, नशे में सभी लोग कह रहे थे। तो जाहिर सी बात है उनका जो नशे का जो ट्रीटमेंट था शायद वो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं बताया जा रहा है, पुलिस इसको कहीं ना कहीं तथ्य को छुपा रही है और इसके बाद उन चारों को गिरफ्तार करके मामला ठंडे बस्ते में जितनी जल्दी हो सके दबाया जा रहा है। उससे बड़ा सवाल ये है कि जो आरोपी था जिसको वकील बताया जा रहा है उसका स्टेटमेंट पुलिस जारी करती है, उन तीनों लोगों का स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी करती है, उन तीनों का बयान क्यों नहीं सामने सबके सामने लाई जाती है और मीडिया जब इनसे पूछती है तो वो कहते हैं कि बस हमने स्टेटमेंट दे दिया है, कार्रवाई कर दी है, हमने पुलिस के इकबाल को बचा लिया है, लेकिन इकबाल ऐसे नहीं बचता है। ठीक है, आप दानिश की आवाज को सुन रहे हैं, दानिश हमारे संवाददाता है लखनऊ से। दानिश, एक और चीज जानने की कोशिश करेंगे, क्या जो एक्यूज हैं, जो आरोपी हैं, उनसे मीडिया को बातचीत करने का मौका दिया गया? क्योंकि जो वीडियो रिलीज पुलिस के द्वारा किया गया है वो तो पूर्णतः दबाव में दिया हुआ दिख रहा है। तब बिल्कुल देखिए, मीडिया के सामने उनको लाया ही नहीं गया है, केवल जब वो लॉकअप में डाले गए थे तो एक फोटो खींचने के लिए किसी तरकीब से किसी ने चुपचाप फोटो खींचा तो फोटो वायरल हुआ, तब आनंद फानंद में जब दबाव बनता देख पुलिस प्रशासन लखनऊ ने तब आनंद में स्टेटमेंट जारी कर दिया, उसमें किसी एक व्यक्ति का, जबकि उसमें चार बताए जा रहे हैं। तो उन तीनों का स्टेटमेंट बारी बारी से क्यों दिखाया गया और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई अब तक, इसमें पीसी होनी चाहिए थी, अब तक पीसी नहीं हो पाई है, बस केवल एक स्टेटमेंट दे करके डीसीपी के द्वारा पल्ला झाड़ लिया गया है। तो जाहिर सी बात है अगर वो स्टेटमेंट करेंगे या पीसी करेंगे तो तमाम पत्रकारों के अनगिनत सवाल उन पर लगेंगे, इन सवालों का जवाब शायद वो न दे पाए और उनकी पहले से ज्यादा खिचड़ी और हो जाए। तो वो ये बात जानते हैं, वो समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसको नहीं किया, एक स्टेटमेंट के जारी पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस को ऐसे कौन से प्रशिक्षण की जरूरत है कि वर्दी के साथ साथ वर्दी के इकबाल को भी बुलंद कर सके, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को सुधार सके और साथ साथ कानून व्यवस्था की छवि सुधार सके, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की भी इज्जत बचा सके। हालांकि दरोगा साहब भले ही पीलीभीत से आए हों, वहां भले ही पुलिस कमिश्नरेट लागू नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तो लागू था और थाने से चौकी से 300 मीटर की दूरी पर यह कांड हो जाता है, वहां पर कोई पुलिसकर्मी छीटा नहीं आता है, कोई पुलिसकर्मी बचाने नहीं आता है। अगर इन केस मान लीजिए दरोगा साहब ने रिवाल्वर से किसी को गोली मार देते तब क्या होता, ये सवाल। बिल्कुल भाई, कई सवाल हैं और दानिश आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दरअसल दर्शकों के सामने ये आज जो घटना है पूरी, इसको इसलिए
आज रात के कार्यक्रम में शामिल किया गया, क्योंकि देखिए इसके दो एंगल हैं। एक तो ये है कि पब्लिक ने दरोगा को पीटा, जिसमें चार लोग एक्यूज हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई, बिल्कुल होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून का पालन कराना जिन लोगों का काम है उनको ही सड़क पर इस तरीके से अगर पीटा जाएगा तो अपराधियों के बुलंद जो हौसले हैं वो काफी बुलंद होंगे। लेकिन दूसरी साइड जो है उस पर कोई नजर नहीं डाल रहा। दूसरी साइड ये भी है कि दरोगा जो कि नशे में धुत होकर बीच सड़क गाड़ी चला रहा है और एक शादी का कार्यक्रम है, उसके बाहर खड़ी गाड़ियों पर अगर वो टक्कर मार रहा है, उनको ठोक रहा है, तो ये क्या है? अगर योगी पुलिस, दानिश जी, दानिश, अगर योगी पुलिस हर मंच से, हर स्टेज से अगर ये बात कहती है कि आप, और जिक्र करती है बहन और बेटियों का और कहती है कि आप कहीं भी रात के 12 बजे तक आप इत्मीनान के साथ घूमिए, अपराध पर पूर्णतः लगाम लगाई जा चुकी है, और ऐसे में अगर ये तस्वीरें आती हैं, ये दरोगा नशे की धुत होकर अगर सड़कों पर घूम रहा है, तो कैसे बहनें सुरक्षित हैं, कैसे बेटियां सुरक्षित हैं, कैसे बच्चे सुरक्षित हैं, कैसे छात्र सुरक्षित हैं और कैसे बुजुर्ग सुरक्षित हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट से ज्यादा लागू करने से ज्यादा मुझे लगता है पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश के पुलिस के एक एक कर्मचारियों को शायद प्रशिक्षण की जरूरत है, शायद उन्हें बताने की जरूरत है कि ये वर्दी नहीं, पुलिस का इकबाल है और उत्तर प्रदेश सरकार की इज्जत भी है और साथ में समाज को एक मैसेज भी है कि ये अगर आप सही रहेंगे तो समाज भी सही रहेगा। हालांकि जैसा कहते हैं ना कि समाज जैसा होता है वैसे ही पुलिस होती है, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। अगर पुलिस सही से काम करेगी तो शायद समाज के एक एक लोग कानून के बारे में वो जान सकेंगे और कानून से खौफ खा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोई 112 पे फोन लगाता है तो सबसे पहले 112 वाला उसको इस तरीके सवाल कर देता है कि 112 पे लोग कॉल लगाने से डरते हैं। आपको पता नहीं कि किसी की बाइक चोरी हो गई तो भी डायल 112 पे फोन लगाने से पहले सोचता है कि पता नहीं वो कौन कौन से सवाल कर दिए जाए। पुलिस उनसे इस तरीके सवाल कर देती है कि आपकी गाड़ी रोड पर खड़ी थी, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, आपके पास बीमा है कि नहीं, आप हेलमेट क्यों लगाए थे। पुलिस उस मोटिव को नहीं देखती है कि घटना क्या हुई। इसी तरीके से लेकर के लोग डरते हैं। आप देखते होंगे 10 क्षेत्र जैसी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई, उस पर भी जब सवाल किया जाता है तो कंप्लेन तो दर्ज हो जाती है लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं होता है। सवाल कही है लेकिन पुलिस जो है जवाब दरअसल जनता से ही चाहती है। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आज का कार्यक्रम भारत एट 9 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दर्शकों ध्यान से समझिएगा, सोने से पहले थोड़ा सा ज्ञानवर्धक टॉनिक के हिसाब से इसको जरा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जब तक चौकी थाने इसमें बैठा एक सिपाही जब तक अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तब तक आप सरकार को कोसिए, दिन रात कोसिए, हर मिनट हर सेकंड कोसिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, इसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में महत्वपूर्ण चर्चा, महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण मुद्दे सबके साथ छोड़ के जाना अहम है और आज इस बात के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि आप पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं। प्राची सिंह जी से मेरा सीधा सवाल है, पुलिस अधिकारी हैं लखनऊ में, एडीसीपी नॉर्थ हैं, जिन्होंने आज बयान जारी करके कहा है कि चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो ये भी बताएं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो ये भी बताएं कि आखिर जो दरोगा जिस पर नशे में धुत होने का आरोप लग रहा है उनके साथ क्या हुआ? क्या नशे में धुत होकर एक वर्दीधारी गाड़ी चला सकता है? क्या लखनऊ की सड़कों पर नशे में धुत एक पुलिस वाला गाड़ियों को ठोक सकता है? बड़े सवाल, इसी के साथ बड़ा जवाब मुझको चाहिए भारत एट 9 में। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद। देखिए भारत एट 9।